मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारी जेब्रास को देखते हैं, जो कि जंगल में एक जगह पर खेल रहे थे। वहीं पर उनका घर था और बाकी सारे एनिमल्स उनके घर तक ना पहुंचे, इसी वजह से इन्होंने अपने एरिया के आसपास एक नुकीली सी बाउंड्री बनाई थी। यहाँ सारे जेब्रास इसी एरिया में खुशी खुशी रहते थे। एक दिन उनके लीडर के घर पर बेबी होने वाला था। ये न्यूज सुनकर सारे जेब्रास बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे ही इनको पता चलता है कि बेबी दुनिया में आ गया है, तो यह सब उसे देखने सभी जेब्रास आ जाते है और उसको देखने के बाद सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब बेबी जेब्रा के ऊपर आधी बॉडी पर स्ट्रिप्स ही नहीं थी। इसको देखकर सबने उसे यही कहा कि ये तो कष्ट है और अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। सबको बस यही लग रहा था बेबी जेब्रा बहुत ही ज्यादा अनलकी होगा, इनके पीने वाला पानी इसी की वजह से शायद खत्म हो जाए। बेबी जेब्रा के पेरेंट्स उसे समझाते है कि तुम तो हमारे बेबी हो और जो ये सारे जेब्रास कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो हमारे कुंभा हो, जिसके बाद से इस बेबी जेब्रा का नाम खुम्बा रख दिया था, जिसका मतलब था कभी भी हार न मानने वाला। अब जिस जगह पर यह सारे बैठे थे वहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड था और यही सहारा था इनका जिंदा रहने का। आहिस्ता आहिस्ता इस जगह के ऊपर पानी खत्म होने लगा था। एक दिन जब खुम्बा उस जगह पर पानी पीने के लिए जाता है तो वहाँ पर काफी जेब्रास उसका मजाक उड़ाते है कि तुम तो सिर्फ हाफ जेब्रा हो, तुम्हारी आधी बॉडी के ऊपर तो ऐसे मार्क्स है ही नहीं। खुम्बा अब इन सारी बातों से बहुत ज्यादा हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। वह अपनी सोचों में ही घूमता है कि कैसे पूरी लाइफ उसने ऐसे ही गुजारी है और हर एक उसका मजाक उड़ाते हैं। इतनी ही देर में उसके पास एक छोटा सा ग्रॉस ऑपर आता है, जो कि उसे मिट्टी में कुछ ड्रॉ करके दिखा रहा था, जो कि खुम्बा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तो पहले से ही बहुत ज्यादा तंग था। इन सब के बाद खुम्बा अब घर वापस जाने लगता है, तभी उसे दूसरी साइड से कुछ एनिमल्स की आवाज आती है, जो कि उसे यह कह रही थी कि उन्हें प्यास लग रही है और वो उन्हें थोड़ा सा पानी दे दे। खुम्बा एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड जेब्रा था और वो थोड़ी सी बाउंड्री खोल देता है ताकि कोई एनिमल अंदर आकर पानी पी ले। इसके बाद कुछ एनिमल्स अंदर आकर पानी पीते हैं, बाकी सारे जेब्रास ये देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह खुम्बा को बहुत ज्यादा डांट भी देते हैं और बाकी सारे एनिमल्स को वहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ पर एक टाइगर भी था जो इसी सोच में था कि वो किसी तरह बाउंड्री खोले और वो उन सभी जेब्रास के ऊपर अटैक करे। वो अंदर आने ही वाला था, इसके पहले वो किसी को भी हर्ट कर ले, वहाँ पर खुम्बा के डैड आ जाते हैं और वो आकर इस बाउंड्री वॉल को बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो टाइगर वापस बाहर ही रह जाता है। पर उसने सबसे पहले खुम्बा को स्मेल कर लिया था और उसे खुम्बा की स्मेल बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद वो सबको धमकी देता है कि अभी तो तुम सब लोग मुझसे बच गए हो, जब तुम लोगों का पानी खत्म हो जाएगा तो तुम लोग को बाहर आना ही पड़ेगा, जिसके बाद में तुम्हें मैं खाऊंगा। इस सब के बाद तो खुम्बा को अपने पेरेंट्स से भी बहुत ज्यादा डांट पड़ती है, उसकी वजह से सारे जेब्रास की जान खतरे में थी। ऐसे तो वो टाइगर इन सब पर हमला कर देता क्योंकि उसने बाउंड्री वॉल खोल दी थी। वो उदास होकर अपनी मॉम के पास चला जाता है कि खुम्बा को उदास देखकर एक स्टोरी सुनाती है। खुम्बा को बताती है कि कैसे बहुत सालों पहले किसी भी जेब्रा के ऊपर कोई भी लाइन नहीं थी, यानी कि सभी बिल्कुल व्हाइट थे। इसके बाद एक जेब्रा किसी मैजिकल पॉन्ड में गया था, इसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर ऐसी स्ट्राइप आती है, उसके बाद उसे फॉलो करके सभी जेब्रास उस पॉन्ड में जाते हैं और उनके ऊपर ऐसी स्ट्राइप्स आती है। तभी खुम्बा को याद आता है कि वो ग्रॉस हॉपर भी उसे कुछ मैप ड्रॉ करके दिखा रहा था। हो सकता है कि शायद यह वही मैजिकल पॉन्ड का एड्रेस हो और खुम्बा को इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वह अपनी मॉम की पूरी बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है और उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर वह ग्रास हॉपर कुछ ड्रॉ कर रहा था। उसे देखने के बाद खुम्बा समझ जाता है कि शायद वो एक मैप है, जिसके बाद वह एक्साइटमेंट में अपनी मॉम को बताने जाता है। अब वह भी बाकी जेब्रास के जैसा हो जाएगा। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि बहुत सारे जेब्रास इकट्ठे हैं। पता चलता है कि खुम्बा की मॉम की डेथ हो गई है, वो बहुत दिनों से बीमार थी। खुम्बा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने आखिर वक्त में भी अपनी मॉम को पूरी बात नहीं सुनी थी और वह वहाँ से चला गया था। अब तो इसके बाद खुम्बा कुछ भी नहीं सोचता और भागने लगता है और कैसे ही बाउंड्री क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। उसके पास अब एक ही मिशन था कि उस मैजिकल पॉन्ड में पहुंचकर अपनी स्ट्राइप वापस लानी है। बाकी दुनिया तो उसने कभी भी देखी नहीं थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब ऐसे ही रास्ते में उसे एक वाइल्ड डॉग मिलता है, जिसको रोककर वह पूछने लगता है कि तुम्हें क्या मैजिकल पॉइंट का रास्ता पता है। वो वाइल्ड डॉग बहुत ही ज्यादा शार्प था। इसके बाद वो खुम्बा से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। रास्ते में चलते चलते खुम्बा को एक वाइल्ड पीस मिलता है जिसका नाम मामा भी था और एक ऑस्ट्रिच जिसका नाम ब्रैडली था। ये दोनों भी खुम्बा के साथ आगे चलने के लिए लगते हैं। वो वाइल्ड डॉग तो बहुत ही ज्यादा तेज था, जिसके बाद वह तीनों को लेकर अपने ही पैक के पास पहुंचता है।
है, वह सब इन पर अटैक करने ही लगते हैं। पर मामा भी बहुत शार्प थी, वो इन सब से मुकाबला कर देती है। यहाँ पर खुम्बा को बचा लेती है, जिसके बाद खुम्बा को अफसोस होता है कि उसकी वजह से इन दोनों की जान भी खतरे में पड़ गई थी। अब इसके बाद वह अपनी पूरी स्टोरी इनको बताता है कि कैसे उसने मैजिकल पॉन्ड की तलाश में बाहर निकला है। इसके बाद मामावी को उस पर बहुत ज्यादा तरस आता है और वह कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। दूसरी तरफ खुम्बा के डैड को भी काफी देर से ऐसे फील हो रहा था कि खुम्बा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद वह ढूंढते हैं और देखते हैं कि खुम्बा मिसिंग है, और वह भी समझ गए थे कि वह जरूर किसी तरीके से बाउंड्री वॉल क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया है। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अपनी जगह पर किसी और को बाउंड्री का ख्याल रखने के लिए कहकर खुद ही बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं, जिसके पास वाइल्ड डॉग पहुंच चुका था और टाइगर को पता चल गया था कि खुम्बा ऐसे बाउंड्री क्रॉस करके बाहर आ चुका है, और वह उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ मामावी खुम्बा और ऑस्ट्रिच पूरा दिन सफर करती रहती है। काफी रात हो गई थी। इसके बाद मामावी कहती है कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए। वह दोनों को आग जला कर देती है, जिसके बाद पूरी रात ये बातें करते रहते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह उठते ही इन तीनों अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। अब टाइगर इनको ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर उसे वो बुझी हुई आग मिल जाती है। वह समझ जाता है कि वह ठीक जगह पर पहुंच चुका है और ऐसे ही फॉलो करते करते वो खुम्बा तक भी पहुंच जाएगा। जब खुम्बा के डैड उसे ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें खुम्बा के कुछ स्टेप्स मिलते हैं और वह काफी खुश होते हैं कि शायद वह उस तक पहुंच जाए। बट थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें टाइगर की और कुछ स्टेप्स नजर आते हैं, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा उदास होकर वापस पहुंचते हैं। वापस आने के बाद वह सारे बाकी ज़ेब्रास को बताते हैं कि शायद अब टाइगर ने खुम्बा को खा लिया होगा, क्योंकि उसे दोनों के फुटस्टेप्स मिल चुके हैं। यह सुनने के बाद एक ज़ेब्रा कहता है कि चलो शुक्र है, अब यहाँ पर बारिश हो जाएगी, क्योंकि जो कस ज़ेब्रा था वो तो खत्म हो गया। इसको सुनने के साथ ही उसकी छोटी बेटी कहती है कि डैड खुम्बा नहीं मिल रहा और आप ऊपर से ऐसी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मामा भी खुम्बा और ऑस्ट्रिच चलते चलते ऑन माउंटेन तक पहुंच जाते हैं, जो कि उस मैप में उस ग्रास हॉपर ने बनाए थे। इन माउंटेन के पास ही एक छोटा सा पॉन्ड देखा, जिसे देखकर खुम्बा बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि ये वही पॉन्ड है जिसमें जाने के बाद उसकी बॉडी पर स्ट्राइप वापस आ जाएंगी, और ऐसे ही वो उस पॉन्ड में छलांग लगा देता है। वहाँ पर जाने के बाद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। उसमें जाने के बाद खुम्बा समझ जाता है कि ये वो पॉन्ड नहीं है जिसके बारे में उसकी मॉम ने उसे बताया था। अब इतनी ही देर में वहाँ पर कुछ और छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं, जिनको देखने के बाद हमें पता चलता है ये लोग एक टूरिस्ट पार्क में पहुंच चुके हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे जो कि उनकी पिक्चर लेने लगते हैं। उनकी नजर खुम्बा पर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि खुम्बा तो बहुत ही ज्यादा यूनिक था, तो वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब वहाँ पर एक ट्रक आता है और वो खुम्बा को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे बंद करके वहाँ से लेकर जा रहा था। इतनी देर में एक छोटा सा रैबिट उस ट्रक के ऊपर आता है, जिसके बाद वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है और खुम्बा इससे फ्री हो जाता है। खुम्बा इसी छोटे से रात से पूछता है कि क्या तुम्हें मैजिकल पॉन्ड के बारे में कुछ पता है, पर यह खुम्बा को बताता है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ईगल तुम्हें शायद कुछ बता देगी। जिसके बाद यह सब लोग ईगल के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेब्रा की कॉलोनी में जो पानी था वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसके बाद सारे ज़ेब्रास प्लान करते हैं कि अब उन्हें ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर उन्हें बहुत सारा पानी मिल सके। इसके बाद एक के बाद एक करके सारे ज़ेब्रास बाउंड्री के बाहर आ जाती है। इन सबको उसी टाइगर का बहुत ज्यादा डर था, जिसकी वजह से यह सब लोग एक साथ आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ खुम्बा अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ईगल था। वहां पर बहुत छोटे छोटे रैट्स थे जो कि खुम्बा को कह रहे थे कि तुम्हें यहां से चला जाना चाहिए। इतनी ही देर में वहां पर एक बहुत बड़ा सा ईगल पहुंचता है और खुम्बा पर अटैक करता है। वो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे मैं उस मैजिकल पॉन्ड की तलाश में हूँ। ईगल काफी सोचता है और खुम्बा की हेल्प करने के लिए वो उसे एड्रेस बता ही देता है। साथ में यह भी बताता है कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइगर वैली से गुजरना होगा। इसको सुनने के बाद खुम्बा को बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि पहले ही वह टाइगर से बहुत ज्यादा डरता था। फिर भी वह सोचता है कि इतने आगे आ जाने के बाद मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन सबके बाद खुम्बा अपने दोस्तों को बताता है कि कैसे उसे टाइगर वैली से गुजरना होगा, पर वो टाइगर से पहले से ही बहुत ज्यादा डरता था और वह समझ गया था कि ऐसे तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो अपने दोस्तों को कहता है कि आगे का सफर मैं अकेले ही तय करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों की जान को भी खतरा हो, और ऐसा कहकर वो अकेले ही आगे निकल पड़ता है। इतनी देर में वहाँ पर वो टाइगर भी पहुंच जाता है, पर वो खुम्बा की खुशबू को ही लेकर इतना ज्यादा खुश था कि उसे तो और कुछ नजर
नजर आता ही नहीं है और वो कुंबा के बाकी दोस्तों को इग्नोर करता हुआ कुंबा के पीछे पीछे चला जाता है। पर उसके दोनों दोस्त भी देखते हैं तो वह यही सोचते हैं कि हमें कुंबा का साथ देना चाहिए और वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। आगे तो कुंबा अकेला ही चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है क्योंकि काफी देर से कुछ खाया पिया नहीं था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। जहाँ पर हम उसी एनिमल्स को देखते हैं जिसकी हेल्प कुंबा ने स्टार्ट में की थी और अपने ही जेब्रा पॉन्ड से पानी दिया था। वो एनिमल कुंबा की हेल्प करता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है, जिसको खाने के बाद कुंबा में कुछ पावर आती है और वो फिर उठकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुंबा के फादर को भी पता चल जाता है कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक है। यह वही रैबिट था जिसने कुंबा को बचाया था और उसने ही ये बात उसके फादर को भी बताई थी। उसने यह बात के फादर को भी बताई थी कि वह कैसे उस मैजिकल पॉन्ड की तलाश में आगे बढ़ रहा है। यह सुनने के बाद कुंबा के फादर तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे ढूंढने के लिए उसी डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे कुंबा की स्टोरी तो बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी और जितने भी एनिमल्स थे वो सोचते थे कि ऐसी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं, हमें भी अपनी लाइफ को बेहतर करना होगा और अपने डर से आगे निकलना होगा। दूसरी तरफ कुंबा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत ज्यादा तूफान की वजह से सारे फैंस को आग लग जाती है। कुंबा को समझ नहीं आता कि यहाँ तो पहुंच गया हूँ, अब तो मुझे इसे भी क्रॉस करना होगा। इसके बाद वो जितने भी ट्रीज को आग लगी थी उनको भी क्रॉस करके आगे निकल जाता है। ऐसे ही कुंबा जब आगे बढ़ता है तो उसे केव्स नजर आती है जिसके अंदर वो आराम से चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे वही मैजिकल पॉन्ड दिखाई देता है जिसका जिक्र उसकी मॉम ने किया था। साथ ही केव्स के ऊपर एक ड्रॉइंग भी थी जिसमें उसी की तरह एक बहुत ही यूनिक सा जेब्रा बना था जिसकी बॉडी के ऊपर सिर्फ आधी जगह पर स्ट्रिप्स थी। वो समझ गया था कि वो उसकी तरह किसी जेब्रा ने बनाई हुई है और वहाँ पर वो टाइगर भी पहुँच जाता है और कुंबा से कहता है कि पेंटिंग तो मैंने पहले ही देखी थी और मुझे पता था कि तुम जैसे जेब्रा बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं, तो मैं तुम्हें खाकर बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर में अब गेट के बाहर बाकी सारे एनिमल्स भी पहुँच जाते हैं और यहाँ पर कुंबा के फादर भी बाकी जेब्राज के साथ पहुँच चुके थे। अब अंदर टाइगर को तो यही था कि वो कुंबा को खा ले और यही डर कुंबा के फादर को भी था कि वो कुंबा को खा ना दे। अब जैसे वो टाइगर कुंबा के पीछे भागता है, कुंबा यहाँ से भागने लगा है और ये केव तो बहुत ज्यादा पुराना था, इनकी हलचल की वजह से टूटने लगा है और अचानक पुराना केव टूट जाता है और इसके टूटने के साथ ही सारा पानी बाहर फ्लो करने लगता है। यहाँ पर अब कुंबा और टाइगर एक ऊंची सी क्लिप पर अटक गए थे जहाँ पर कुंबा अभी भी समझा रहा था कि ऐसा लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें एक दूसरे की हेल्प करके एक साथ जिंदा रहना चाहिए। पर ये टाइगर तो बिल्कुल पागल हो चुका था, लग रहा था कि कुंबा को खाकर उसे बहुत पावर मिलेगी, जिसके बाद जैसे उस पर अटैक करता है वो क्लिप थोड़ी सी टूटने लगती है और टाइगर नीचे गिरता है और उसके ऊपर क्लिप का टुकड़ा गिरता है और टाइगर की मौत हो जाती है। अब क्लिप के गिरने के साथ कुंबा भी नीचे गिरता है पानी में और सारे एनिमल्स को लगता है कि कुंबा अब मर चुका है और यहाँ पर अब बारिश शुरू होती है। इसके साथ ही कुंबा को भी होश आ जाता है जिसके बाद सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सभी एनिमल्स को एक नई जगह मिली थी जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी था और इस टाइगर का भी डर नहीं था, जिसके बाद सारे एनिमल्स यहाँ पर ही हंसी खुशी रहने लगे है और कुंबा की वजह से ही इन एनिमल्स को पानी मिला था। अब कोई भी कुंबा का मजाक नहीं उड़ाता था और कुंबा भी समझ गया था कि वो एक यूनिक जेब्रा है और यूनिक होने में कोई बुराई नहीं है, जिसके बाद हर कोई यहाँ पे हंसी खुशी रहने लगा है और मूवी की दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही बढ़िया मूवी मैं आपके लिए